दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं श्रीलंका और साथ में न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का मैच नंबर फर्स्ट। ये मैच खेला जाने वाला 9 नवंबर को शाम 7 बजे रंगीरी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर इस मैच को खेला जाएगा। तो दोस्तों इस मैच में आपको मेगा ग्रैंडली का यूनिक टीम किस प्रकार से बना के चलना चाहिए, इस मैच में आपको कैप्टन किसे लगा करके जाना चाहिए, इस मैच में आपको वाइस कैप्टन लगा करके किसे जाना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर बताऊंगा पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला, इस पिच पर कौन सा बॉलर ज्यादा विकेट निकालते हुए नजर आएगा या फिर इस पिच पर कौन सा बल्लेबाज ज्यादा रन बनाते हुए नजर आएगा, जिससे आप लोग आसानी तरीके से मेगा ग्रैंडली का यूनिक टीम बना करके आप अपनी टीम को अच्छे रैंक पर ले करके जा सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि इस वीडियो में आपको ज्यादा कुछ नहीं, 15 से लेकर के 20 मिनट टाइम देना, और 15 से 20 मिनट टाइम देते तो भाई इस मैच में जैकपॉट मैच में आप लोग मेगा ग्रैंडलिंग में लाखों रुपया आसानी तरीके से जीत करके जा सकते हो। तो एक एक चीज मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं पिच रिपोर्ट का, तो बैनू पर टोटल जो मैच खेला गया 6 मैच खेला गया, जिसमें बैटिंग फर्स्ट राउंड करने वाली टीम ने 4 मैच को और फील्डिंग करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर 2 मैच को विन किया। दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न से इस बैनू पर 150 रन का स्कोरिंग अभी तक की एक बार भी नहीं हुआ, 150 और 169 के बीच में 3 बार स्कोरिंग है, 170 और 189 के बीच में 2 बार स्कोरिंग हुआ और 190 के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से 1 बार स्कोरिंग है। एवरेज स्कोर काफी अच्छा खासा एवरेज स्कोर है, 176 का एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंकली ये जो पिच होने वाला है ये बैटिंग पिच होने वाला है, हाईएस्ट स्कोर इस वैन पर 209 रन का है, लोएस्ट स्कोर 115 रन बना है। अब देखते जितना भी मैच खेला गया ये 6 मैच में यहाँ पर 60 विकेट जो मिला, पेसर्स बॉलर्स को और स्पिनर्स बॉलर्स की बात कर ले तो 50 विकेट मिला, यानी 55% चांसेस रहेगा पेसर्स बॉलर्स विकेट निकालते हुए नजर आने वाला, फिर यहाँ पर से 45% आपको विकेट निकालते हुए स्पिनर्स बॉलर्स दिख जाएगा। अब देखते हैं जो वैनू पर इस वैनू पर रिसेंट मैच खेला गया, इससे आप लोग को पूरी बारीकी से पता लग जाएगा कितना पेसर्स बॉलर्स विकेट निकाल करके जा सकता है या फिर कितना स्पिनर्स बॉलर्स आपको विकेट निकालते हुए नजर आने वाला है या आपको क्या स्कोरिंग देखने को मिलेगा। वेस्टइंडीज और साथ में ये मैच श्रीलंका के बीच खेला गया 17 अक्टूबर 2024 को, जिसमें वेस्टइंडीज टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन का स्कोरिंग किया, यहीं पर श्रीलंका टीम चेस करते हुए 18 ओवर में 1 विकेट पर 166 रन बनाकर के इस मैच को विन किया। पेसर्स बॉलर्स को 3 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 7 विकेट मिला, फिर श्रीलंका टीम का स्कोरिंग रहा 162 रन, वेस्टइंडीज टीम चेस करते हुए 89 रन का स्कोरिंग किया। ये मैच 15 अक्टूबर 2024 को खेला गया है, इसमें पेसर्स बॉलर्स को 6 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 9 विकेट मिला, फिर श्रीलंका टीम का स्कोरिंग 179 रन, वेस्टइंडीज टीम चेस करते हुए 180 रन बनाकर कि इस मैच में यहाँ पर वेस्टइंडीज टीम जीतते हुए दिख रहा, पेसर्स बॉलर्स को 7 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स के यहाँ पर 4 विकेट मिला, फिर इस मैच में पेसर्स बॉलर्स को 7 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स की बात करें तो 3 विकेट निकालते हुए नजर आ रहा। अब रीसेंट मैच की बात करें तो काफी ज्यादा आपको एडवांटेज नजर आने वाला है, स्पिनर्स बॉलर्स आपको विकेट निकालते हुए नजर आएगा, पिछले 4 मैच में देख रहे हैं 7 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स को, 9 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स को, फिर यहाँ पर 4 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स को, 7 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स को, तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकालते हुए दिख रहा। वैसे कुछ मैचों का आंकड़ा पिछले मैच से पेसर्स बॉलर्स का एडवांटेज उतना कुछ नहीं रहा, लेकिन पेसर्स बॉलर्स भी आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा, जो की क्वालिटी का पेसर्स बॉलर्स और साथ में यहाँ पर से कौन सा स्पिनर्स बॉलर्स को अपनी टीम में लेकर चलना। वैसे देखा जाए तो हसरंगा इस मैच पर हर हमेशा विकेट निकाले जाते, तो क्या इस मैच में हसरंगा को कैप्टन बनाए करके चलना या फिर वाइस कैप्टन आपको लगा करके चलना चाहिए। तो दोस्तों आगे मैं आपको एक एक चीज पूरी क्लैरिटी से बताने वाला हूं, साथ में मेरा फाइनल टीम और लाइव जो पिच रिपोर्ट आता वो टेलीग्राम चैनल पर आता, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, टॉस होने के बाद बिल्कुल फ्री में बने बनाया हुआ टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने का सिंपल तरीका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप लोग आसानी तरीके से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से ज्वाइन कर देना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना आपको, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में मैं बात करूं, पिछले 10 मैच में तो ओनली 2 मैच यहाँ पर श्रीलंका टीम ने विन किया और 8 मैच देख रहे तो न्यूजीलैंड टीम ने विन किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ आपको स्ट्रॉन्ग टीम और साथ में एक तरफ वीक टीम के बीच मैच होने जा रहा, जो कि इस मैच को हम लोग जैकपॉट मैच बना करके जा सकते। रिसेंट फॉर्म श्रीलंका टीम का पिछले 5 T20 मैच में 2 मैच विन किया, यहाँ पर 2 मैच लॉस किया, 1 मैच टाई रहा। यहाँ पर न्यूजीलैंड टीम की बात करें पिछले 5 मैच में तो 2 मैच विन किया और इधर 3 मैच कंटिन्यू लॉस्ट करते हुए दिख रहा। अब सबसे पहले देखेंगे कि क्या हो सकता है प्लेइंग 11 इस मैच के लिए,
श्रीलंका की तरफ से। तो कुशल मेंडिस और पातुम निशंका ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आने वाला। कुशल परेरा, कामिंदो मेंडिस और साथ में यहाँ पर से असलंगा, वानुका राजापक्षा, वानिंदो हसलंगा, दुनीत वेलालावे, महेश तृष्णा, उसके बाद यहाँ पर नुवान तुसारा और पथिराना जो कि श्रीलंका की तरफ से ये प्लेइंग इलेवन रहने वाला। अब श्रीलंका की तरफ से यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग के ओवर में बॉलर्स कौन सा बॉलर्स बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा। तो स्टार्टिंग के ओवर में यहाँ पर दुनीत वेलालावे, तृष्णा और नुवान तुसारा ये तीन बॉलर्स स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करेगा। डेथ के ओवर में पथिराना, नुवान तुसारा और हसलंगा जो कि कुछ इस प्रकार से बॉलर्स टीम इंडिया के तरफ श्रीलंका के तरफ से स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक एक प्लेयर्स के बारे में पूरी क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि भाई श्रीलंका की तरफ से कौन सा प्लेयर्स को अपनी फैंटेसी की टीम में लेकर के चलना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लूँ पातुम निशंका का, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 80% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म में यहाँ पर 39, 24, 11, 26, 32 रन का स्कोरिंग है, हेड टू हेड में 4 मैच में 34 रन है और 8 का एवरेज रहता है। बैन पर आ जाते हैं तो 6 मैच में 195 रन 39 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 28 का एवरेज और सेकंड इनिंग में 29 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो भाई देखो यहाँ पर पातुम निशंका के सबसे पहले हेड टू हेड में न्यूजीलैंड टीम के सामने 8 मैच में ओनली 34 रन है और 8 का एवरेज है, कुछ खास एवरेज रन बनाते हुए नहीं नजर आ रहे। तुक्के में लोग 80% लोग अपने फैंटेसी की टीम में ट्राई करके चले, तो मेगा ग्रैंडली के टीम से चाहते हो यहाँ पर से ड्रॉप करना तो आप ड्रॉप करके भी जा सकते हो। अगले प्लेयर्स कुशल मेंडिस, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 95% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म में 68, 26, 19, 43, 10, 8, 2 में इनका काफी अच्छा खासा रहा था, 7 मैच में 235 रन और 33 का एवरेज न्यूजीलैंड टीम के सामने। यानी न्यूजीलैंड टीम के सामने कुशल मेंडिस एक मैच खेलता है जिसमें 33 रन के आसपास स्कोरिंग करके जाता, तो एवरेज काफी अच्छा खासा। बैन ऊपर भी 32 का एवरेज रहता, फर्स्ट इनिंग में 27 का एवरेज और सेकेंड इनिंग में ठीक ठाक ही एवरेज है, 24 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे। इंपोर्टेंट पिक रहने वाला फिर से कि अपनी फैंटेसी की टीम में कुशल मेंडिस को लेकर के चलना। फिर यहाँ पर कुशल परेरा की बात करें, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 7% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म में 55, 24, 6, 45, 46 और साथ में यहाँ पर 53 रन का स्कोरिंग है, पिछले 5 मैच में 3 मैच में बड़ा स्कोरिंग देखने को मिला। हेड टू हेड में 7 मैच में 169 रन 28 का एवरेज है, बैन ऊपर भी यहाँ पर 28 का एवरेज और फर्स्ट इनिंग में 29 का एवरेज रन बनाते हुए नजर आ रहे। कुशल परेरा जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज है, अब देखते तो 7% लोग ही अपनी टीम में ट्राई करके चल रहा है, लेकिन इस मैच में मैं आपको बोलूंगा भाई यूनिक टीम क्रिएट करना चाहते हो तो कुशल परेरा को आप अपनी टीम में मौका दे करके जा सकते हो। तो फिक्स है कि इस मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स आपको साबित होने वाले, आप अपनी फैंटेसी की टीम में ले करके जा सकते हो। जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा प्रिडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी टीम में यहाँ पर कुशल परेरा को लेकर के तो फिक्स जाने वाले हैं। फिर बात करें मेंडिस का, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 59% सिलेक्शन है, दोस्तों रिसेंट फॉर्म में यहाँ पर 1 विकेट 19 रन 51 रन 1 और यहाँ पर 26 रन का स्कोरिंग है, हेड टू हेड में 1 भी मैच नहीं, बैन ऊपर 4 मैच में 135 रन और बैन ऊपर 67 का एवरेज है, साथ में बैन ऊपर 2 विकेट निकाल चुके हैं। अब फर्स्ट इनिंग में बात करें तो दोस्तों 12 मैच में 247 रन 22 का एवरेज, सेकेंड इनिंग में 6 मैच में 103 रन 20 का एवरेज है, तो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए आपको नजर आ जाए तो कामिंडो मेंडिस को भी ट्राई करके जा सकते हो, एवरेज परसेंटेज लोगे अपनी टीम में लेकर के चला। फिर यहाँ पर असलंका, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में कुछ भी नहीं, 19 रन और साथ में 2 विकेट 59, 0, 14, हेड टू हेड में 4 मैच में 198 रन 27 का एवरेज, हेड टू हेड में बैन पर 5 मैच में 75 रन और 18 का एवरेज, फर्स्ट इनिंग में 26 का एवरेज आता और सेकंड इनिंग में 21 का एवरेज रन बनाते हुए नजर आ रहे। इंपोर्टेंट पिक रहने वाले जो कि हो सकता है बॉलिंग भी करते हुए आपको दिख जाएंगे और बैन ऊपर में आपको स्पिनर्स बॉलर्स का पिछले कुछ मैच में ज्यादातर विकेट निकालते हुए नजर आते हैं तो एडवांटेज रहेगा। फिर यहाँ पर से वानुका राजापक्षा, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टार है, हेड टू हेड में 1 मैच 34 रन 34 का एवरेज है, बैन ऊपर 7 का एवरेज आता, कुछ खास है नहीं, बैटिंग का भी मौका काफी ज्यादा नीचे मिल रहा। अगले प्लेयर्स की बात करें हसलंगा, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे, रिसेंट फॉर्म में यहाँ पर 2 विकेट 5 रन और 2 विकेट 1 रन और यहाँ पर 1 विकेट 10 रन 1 विकेट, हेड टू हेड में 7 मैच में ओनली 59 रन और 19 का एवरेज आता और 7 मैच में न्यूजीलैंड टीम के सामने अभी तक के 8 ही विकेट निकाले। बैन पर 6 मैच में 108 रन यहाँ पर 27 का एवरेज और बैन पर 9 विकेट निकाले, 95% सिलेक्शन है। वैसे बहुत सारे लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए तो भाई कुछ खास एवरेज नहीं रहता, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए इतना कुछ खास सेफ ऑप्शन रहने वाला। वैसे चाहते हो आप सेफ ऑप्शन में जाना तो ट्राई करके भी जा सकते हो।
एवरेज देखते हैं फर्स्ट इनिंग में बैटिंग से 15 का एवरेज रहा था, सेकेंड इनिंग में 11 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 40 मैच में कुल 51 विकेट और सेकेंड इनिंग में 30 मैच में 68 विकेट निकाल चुके हैं। तो सेकेंड इनिंग में आपको चाहे तो वाइस कैप्टन लगाना, तो बॉलिंग से हर हमेशा सेकेंड इनिंग में एडवांटेज रहते हैं, तो वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। दुनित वेला लागे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल, 63% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, यहाँ पर 0 विकेट, हेड टू हेड में 1 भी मैच में 92 पर 2 मैच में 3 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 1 मैच में यहाँ पर 0 विकेट है और सेकंड इनिंग में 1 मैच में 3 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। चाहते हो ट्राई करना तो ट्राई करके भी जा सकते हो। यहाँ पर तीक्ष्णा के बारे में जान लें, 71% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट 2 विकेट, यहाँ पर पिछले 3 मैच में 1-1 विकेट है, हेड टू हेड में 4 मैच में कुल 5 विकेट और बैनू पर 5 मैच में यहाँ पर 7 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 23 मैच में 28 विकेट और सेकंड इनिंग में 32 मैच में कुल 26 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला फिक्सर की टीम में लेकर के चलना। नुवान तुसारा राइट आर्म में फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल है, 6% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा, पिछले 5 मैच में 2 ही मैच में 1-1 विकेट मिला, नहीं तो इधर कंटिन्यू विकेट लेस चल रहे हैं। हेड टू हेड में 1 भी मैच नहीं, बैनू पर 3 मैच में ओनली 1 विकेट निकाल चुके हैं, तो कुछ खास नहीं भाई, ऑलरेडी यहाँ पर से अपनी टीम से ड्रॉप करके चलना। तीक्ष्णा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टार, 87% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म में यहाँ पर 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, हेड टू हेड में 1 भी मैच में बैनू पर 6 मैच में 12 विकेट निकाल चुके हैं। तो भाई बैनू पर हर हमेशा एडवांटेज रहते हैं, चाहे तो तीक्ष्णा को वाइस कैप्टन भी लगाना, तो वाइस कैप्टन भी आप अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो। बेंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी बदलाव होता है चेंज होता सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से क्या हो सकता है इस मैच में प्लेइंग 11। न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग और टिम रॉबिन्सन, ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएगा, हैंडी निकलस, उसके बाद अगले प्लेयर्स की बात कर ले मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, यहाँ पर से माइकल ब्रेसवेल, यहाँ पर से जोवाको डप्पी, लक्की फर्गुसन, इस सोडी जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से ये प्लेइंग 11 आने वाला। अब न्यूजीलैंड की तरफ से स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करते हुए सबसे पहले नजर आने वाला यहाँ पर से जेड फुलकेस, उसके बाद यहाँ पर से जोवाको डफी और अगले प्लेयर्स की बात कर ले, यहाँ पर से मिचेल सैंटनर स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करेगा। डेथ के ओवर में यहाँ पर से देखते हैं तो जेड फुलकेस और साथ में जोवाको डफी और यहाँ पर से लक्की फर्ग्यूसन जो कि कुछ इस प्रकार से न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलर स्टार्टिंग के ओवर में और साथ में डेथ के ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा। अब पूरी कैलिडिटी के साथ समझेंगे कि अपने फैंटेसी के टीम में न्यूजीलैंड की तरफ से दोस्तों कौन कौन सा प्लेयर्स को लेकर के चलना। तो सबसे पहले विल यंग राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में 12-1-9-25-8 रन का स्कोरिंग, हेड टू हेड और बैनू पर 1 भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग में 24 का एवरेज था, सेकेंड इनिंग में 9 के एवरेज से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप करके भी जा सकते हो। फिर यहाँ पर से टिम रॉबिन्सन राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में 0-34-19-33-51 रन का स्कोरिंग है, 1% सिलेक्शन है। फिर यहाँ पर से विली यंग को अपनी टीम में लोग 34% ले करके चला, तो थोड़ा देखा जाए तो विली यंग कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपनी टीम में टिम रॉबिन्सन को भी ले करके जा सकते हो। अगले प्लेयर्स की बात कर ले तो यहाँ पर से हैंडी निकलस लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल है, 5% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म में 42-1-52-9-41 रन का स्कोरिंग, हेड टू हेड में 1 मैच में 4 रन और 4 का एवरेज रहा था। दोस्तों बैनू पर 1 भी मैच नहीं है, फर्स्ट इनिंग में 6 मैच में 86 रन है और 17 का एवरेज रहा था, सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 4 के एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। मार्क चैपमैन लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, 30% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 8-24-4-12 और यहाँ पर 23 रन का स्कोरिंग है, हेड टू हेड में 3 मैच में 55 रन और 27 का एवरेज रहता, फर्स्ट इनिंग में 27 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में 30 के एवरेज से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा अनुभवी बल्लेबाज है, तो भाई देखो थोड़ा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जल्द विकेट फेंकते हुए आपको नजर आने वाला न्यूजीलैंड की तरफ से। तो इस बीच मार्क चैपमैन को आप मेगा ग्रैंडली की टीम में खास करके लेकर के जा सकते हो, ओनली 30% सिलेक्शन है, मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स साबित हो सकता है। ग्लेन फिलिप्स राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है, 84% सिलेक्शन है, रिसेंट फॉर्म में 48-10-8-6-11 रन का स्कोरिंग, हेड टू हेड में श्रीलंका के सामने 1 मैच जिसमें 104 रन और 104 का एवरेज है, फर्स्ट इनिंग में 36 का एवरेज और सेकंड इनिंग में 27 का एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। इंपोर्टेंट पिक रहेगा, कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लगाना चाहते हो तो यहाँ पर से ग्लेन फिलिप्स को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना के लेके जा सकते हो। मिचेल सैंटनर लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, स्लो लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, 94% सिलेक्शन
एक्शन है। रिसेंट फॉर्म में यहाँ पर 0 विकेट, 3 विकेट, 6 रन, 7 रन और 2 विकेट, 2 रन और यहाँ पे 1 विकेट है। हेड टू हेड में 6 मैच में 64 रन, 10 का एवरेज है और हेड टू हेड में 9 विकेट निकाल चुके हैं। फर्स्ट इनिंग में 45 मैच में देख रहे तो 11 का एवरेज है और 45 मैच में 42 विकेट है। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 23 के एवरेज से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल 57 मैच में सेकेंड इनिंग में 73 विकेट निकाल चुके हैं। स्पिनर्स बॉलर्स में मिशेल सैंडन न्यूजीलैंड की तरफ से क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर से तो फिर से अपनी टीम में लेकर के चलना है। माइकल ब्रेसवेल लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग स्टाइल है। रिसेंट फॉर्म में 4 रन, 1 विकेट, 5 रन, 0 विकेट, 5 रन और 0 विकेट, 0 रन, 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा तो ऑलरेडी अपनी टीम से ड्रॉप करके चलना। फिर यहाँ पर अगले प्लेयर्स की बात करें, जेड फॉकलेस राइट आर्म मीडियम बॉलिंग स्टाइल, 1% सिलेक्शन है। रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और यहाँ पर 1 विकेट। हेड टू हेड में 1 भी मैच नहीं, बैन पर 1 भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग में 2 मैच में 1 विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। अगले प्लेयर्स के बारे में जाने, यहाँ पर से जोबाको डफी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग स्टाइल, 6% सिलेक्शन है। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म देखा जाए यहाँ पर से जोबाको डफी का तो काफी ठीक ठाक रिसेंट फॉर्म चल रहा है। पेसर्स बॉलर्स में आप एक यहाँ पर से न्यूजीलैंड की तरफ से जोबाको डफी को भी ट्राई करके जा सकते हो। हेड टू हेड में 1 भी मैच नहीं, खास करके फर्स्ट इनिंग में 3 मैच में 6 विकेट निकाल चुके हैं तो आप अपनी टीम में जब भी ट्राई करना फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके जा सकते हो। सेकेंड इनिंग में थोड़ा जोबाको डफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 मैच में ओनली 5 ही विकेट मिला। इस शो डी 32% सिलेक्शन है। रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड में 8 मैच में यहां पर 8 विकेट, बैन पर 1 भी मैच नहीं, फर्स्ट इनिंग में 45 मैच में कुल 52 विकेट और सेकंड इनिंग में 67 मैच में दोस्तों 86 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। या अगले प्लेयर्स की बात करें, लकी फर्गुसन राइट आर्म फास्ट बॉलिंग स्टाइल, क्वालिटी का पेसर्स बॉलर से ओनली 6% लोग अपनी टीम में लेकर के चला। यहाँ पर रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैच में 4 विकेट निकाल चुके हैं। फर्स्ट इनिंग में 16 मैच में 30 विकेट और सेकंड इनिंग में 67 मैच में 86 विकेट है। वाइस कैप्टन भी लगाना चाहते हो तो आप लकी फर्गुसन को यहाँ पर से वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। बेंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर्स रहने वाला, इसमें जो भी चेंज होता है, जो भी चेंजेस होता है सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। अब यहाँ पर से देखते हैं कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मैच के लिए किसे लगा करके चलना चाहिए। कॉमन कैप्टन और वाइस कैप्टन की यहाँ पर बात करें तो हसरंगा, मिशेल सैंडन और साथ में पार्थुम निशंका के साथ जा सकते हो। ग्रैंड लीग के लिए थोड़ा अलग और सबसे यूनिक ट्राई करना चाहते हो तो कुशल मेंडिस, पथिराना और साथ में इस सोडी को अपनी टीम के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। इस मैच में इसी के आसपास आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हुए नजर आने वाला। अब एक एक चीज मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बता दें कि पीस रिपोर्ट क्या है, प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म क्या चल रहा, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में होना चाहिए, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना चाहिए, आपको कैप्टन किसे बनाना, वाइस कैप्टन किसे बनाना, तो सारी जानकारी एक एक करके मैं आपको बता दिया। तो जब भी आप टीम बनाना, खुद से टीम बनाना, खुद से टीम बनाओगे तो भाई आप मेरे से बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन करके जा सकते हो। अब फाइनली देखते हैं, मैं जो यहाँ पर अपना टीम बनाया तो विकेट कीपर से मैं अपनी टीम में यहाँ पर कुशल मेंडिस, बैटिंग से पार्थुम निशंका, श्रीलंका ग्लेन फिलिप्स और लॉन्डर्स में हसरंगा, मिशेल सैंडन, बेला लागे और यहाँ पर से देख रहे हैं के मेंडिस को ट्राई किया हूँ। बॉलिंग से पथिराना, लकी फर्गुसन और तीक्षणा को लेकर के चला हूँ। कैप्टन तो यहाँ पर हसरंगा को कैप्टन और वाइस कैप्टन मिशेल सैंडन को ट्राई करके चला हूँ। वाइस कैप्टन आप पार्थुम निशंका को भी चाहते बनाना, लेकिन पार्थुम निशंका का हेड टू हेड में थोड़ा रिकॉर्ड खराब चल रहा है तो यहाँ पर से ड्रॉप करके भी जा सकते हो। श्रीलंका के साथ जा सकते हो या फिर ग्लेन फिलिप्स आ जाता, कुशल मेंडिस को भी वाइस कैप्टन लगाना चाहते हो तो कुशल मेंडिस को भी लगा करके जा सकते हो। लकी फर्गुसन सी कैप्टन या वाइस कैप्टन, यानी मोस्ट पिक रहेगा, कैप्टन भी ट्राई करते तो सेफ ऑप्शन रहेगा, या फिर यहाँ पर से आप पथिराना को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन अपनी टीम में बना के जा सकते हैं। इसमें जो भी बदलाव होगा, जो भी चेंज होता है सारा अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए और फेस वीडियो में हम सभी लोग।